इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करें, तो इस स्टेटमेंट के बेसिकली चार कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा इक्वल टू साइन के बाद एक कीवर्ड आएगा, पेरेंथेसिस में डाटा आएगा, कंडीशन आएगी और आर्गुमेंट्स आएंगे। अभी हमने लिखा इक्वल टू साइन, इफ कीवर्ड आ गया, पेरेंथेसिस शुरू शुरू कर ली और उसके बाद हमने आई सिक्स में, चूंकि हमारे पास 10 मार्क्स हैं रोल नंबर वन के, तो हमने वो चूज कर लिया है आई सिक्स, ठीक है। और कंडीशन ये थी कि अगर आई सिक्स में वैल्यू 50 से ज्यादा है या बराबर है तो वो क्या होगा, तो बेटा क्या होगा वो पास, क्या होगा पास होगा। ये बेटा इसका सेमी कॉलन, ये कॉलन इसमें कॉमा है, कॉमा यूज होता है एज ए सेपरेटर। कॉमा क्या यूज होता है, टू सेपरेट द इसका यानी आर्गुमेंट एंड द कंडीशन, ये कंडीशन को और इसके जो जो आर्गुमेंट है उनको सेपरेट करता है। तो अब हम कॉमा लगा के सेपरेट कर रहे हैं कंडीशन को किसके साथ, आर्गुमेंट के साथ। और आर्गुमेंट हमेशा भी याद रखें किसमें आते हैं, कोटेशन साइन में। तो शिफ्ट प्रेस करके एंटर की के साथ ये बेटा डबल कोटेशंस हैं, क्या है ये डबल कोटेशन, डबल कोटेशन कहाँ पे है ये, शिफ्ट प्रेस करके एंटर की के साथ हैं ये कीबोर्ड पे। यस, और यहाँ पे आपने टाइप करना है पास, अभी आपका आर्गुमेंट है पास, और बाद दोबारा से आर्गुमेंट आपने क्लोज भी करना है। आपने साथ में पास का जो आपने कोटेशन शुरू किया था इसका कोटेशन क्लोज करना है। अब फिर हम इसमें कॉमा यूज करेंगे, ये बेसिकली फिर सेपरेटर है, सेपरेटर का मतलब ये लग करता है पहले आर्गुमेंट को दूसरे आर्गुमेंट के साथ। तो पहला आर्गुमेंट हमारा पास का है, दूसरा आर्गुमेंट क्या है, कोटेशन डालेंगे फेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोटेशन फेल, कोटेशन डालेंगे। कोटेशन बेटा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं या हम वर्ड लिख रहे हैं जो कि एक्सेल में वर्ड नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। फ्रैक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल डाटा नहीं है बल्कि अल्फाबेट डाटा है, इसमें अल्फाबेट्स हैं। एंटर की प्रेस कर दूं जी, का सही लिख दिया है फॉर्मूला, yes, एंटर की प्रेस की। देखिए इसने इसको ना 85 को पास कर दिया है। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग डाउन करता हूँ, ये देखें तो यहां तक जो है, अच्छा इसके मैं आप फॉर्मेटिंग पे भी जाता हूँ, तो ये देखें हो गया, ये 25 पे जो है, ये जो आपका है जिसके मार्क्स हैं 19.75 नंबर 3, तो ये फेल है। ये क्या है, अब आपको खुद नहीं करना पड़ा, यू डोंट नीड टू डिसाइड एवरी टाइम, कंप्यूटर खुद ही करेगा, इसका फायदा ये है। एक्सेल का बेटा फायदा ये है कि इसमें एक दफा आप सिर्फ वैल्यू एंटर करेंगे, बाकी के रेस्ट ऑफ द जो ऑपरेशन है वो कंप्यूटर खुद परफॉर्म करेगा, आप उसके सिर्फ फार्मूला और फंक्शन बता देंगे तो ये खुद ब खुद करता जाएगा, ठीक है। अगर मैं सारा खत्म कर दूं, ये देखें ये एक का मैंने सिर्फ किया है, बाकी का मैंने खत्म कर दिया है, ये देखें या कुछ हो रहा है, सारा हो रहा है। यस सर, अब मैं इसको यहाँ देखे पास तक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और नीचे ड्रैग करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो अब मैंने बाकी को कैलकुलेट नहीं किया, तब भी आप कर सकते हैं, ये देखें तो इसने एट अ टाइम सबका कर दिया है, यानी जो भी फॉर्मूला और फंक्शन आपने इसमें अप्लाई किए हैं उसको वंस यू नीड टू अप्लाई एंड इट विल कैलकुलेट ऑटोमेटिकली फॉर रेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज, याद रह जाएगा आपको ये बात। यस सर, यस सर। इसका सबसे बड़ा मजे मजे की बात ये है कि आप एक सिर्फ अगर एक डाटा को सही तरीके से कैलकुलेट कर लें विदाउट एनी मिस्टेक, तो आप बाकी जितने भी वैल्यूज हैं उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जस्ट उनको सिलेक्टिंग जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है और उसको ड्रैग कर दें या फिर फिल बॉक्स को क्लिक कर दें, तब भी ये कर देगा, ठीक है। अच्छा अब हम इसके थोड़ा सा ना फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं, इस टेबल की फॉर्मेटिंग में ये जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे, ये इफ स्टेटमेंट का डाटा मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसमें आर्गुमेंट के अलावा बेटा सेपरेटर भी यूज होता है, मुझे याद आ गया, कॉमा क्या होता है, कॉमा, कॉमा इज अ सेपरेटर, कॉमा किस तरह यूज होता है, सेपरेटर के तौर पर। अच्छा बेटा अब मैंने इसको थोड़ा फॉर्मेट ये करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जैसे रोल नंबर बड़ा सा ये सेल है, इसको मैं थोड़ा सा जैसे ये रियाज नहीं, ये मोहम्मद रियाज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका नाम बड़ा हो रहा है, और ये जो अली है ये मिर्जा अली, क्या है ये मिर्जा साहब है, मिर्जा अली शेर साहब है, क्या नाम इनका,
लेफ्ट राइट, तो ये डबल क्लिक करने से भी कर देगा और आप जितना नाम उतना तक कर लें, ठीक है, ऐसे रोल नंबर नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मुझे जाहिर बात है कि तो बड़ा है इसको, ये तो छोटा था हमने बड़ा किया, अब ये बड़ा इसको छोटा करना है। तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँ और उसके बाद इसको करूँगा तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा। इसको भी मैं ये देखें अभी छोटा हो स्मॉल हो गया, इसको डबल क्लिक करूँ, इसको डबल क्लिक करूँ, इसको भी मैं ड्रैग कर लूँ, इसको भी ड्रैग कर लूँ, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, ऐसे ये सारे का सारा मैं क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर दूँ तो ये आपकी जो वैल्यूज हैं या खुद एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएंगी, बजाय कि ये बड़ा सेल बने तो ये छोटा सेल भी हो सकता है। तो इसको भी एडजस्ट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी नीड क्या है, और इस तरह ये परसेंटेज मार्क्स को भी एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स को भी छोटा किया जा सकता है, मैक्सिमम के सेल को भी छोटा किया जा सकता है, स्टेटस को भी छोटा किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं सेल्स को, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं पकड़ के इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ये देखते हैं, ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर हो गई बात? यस सर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यूज करने जा रहा हूँ मर्ज एंड सेल ऑप्शन। तो मर्ज एंड सेल का ऑप्शन ये होता है कि आपके मल्टीपल सेल को सिलेक्ट किया जाता है, उसका एक सेल बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मर्ज एंड सेल। तो अब ये मैं एक सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि A4 है, उसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ तक जहाँ तक हमारा डाटा मौजूद है। चूंकि ये नेम ऑफ स्कूल है तो ये हमेशा खूबसूरत लगता है सेंटर में, तो ये मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया और ये मर्ज एंड सेल का ऑप्शन ये ऊपर मौजूद है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मर्ज कर देगा, एक सेल बना देगा और उसको सेंटर में ले आएगा, ये खूबसूरत भी लगता है। क्लियर, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, ये देखें एक तो हमारा नाम है जो कि ऊपर शीट के नॉर्मली शो हो रहा होता है, आपने देखा होगा। तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और राइट साइड पे ड्रैग करके जहाँ तक भी ये शीट जा रही है वहाँ लास्ट कॉलम तक मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मर्ज एंड सेल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो ये लिखा हुआ है कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स इन अ न्यू लार्जर सेल। तो ये इसका मर्ज एंड सेल का ये ऑप्शन है कि इट कंबाइन एंड सेंटर ऑल द कंटेंट्स अवेलेबल इन द सिंगल सेल टू रेस्ट ऑफ जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए होंगे सबको ये मर्ज करके एक सेल बना देगा। जैसे ये लिखा हुआ एक्सेल 1-2 तो इसे मर्ज करके एक्सेल में दोनों पे 1-2 कर दिया है। तो इसी में जैसे क्लिक कर रहा हूँ ये देखें सब पे आ गए, खूबसूरत भी लग रहा है। इसको बोल्ड किया जा सकता है, साइज बड़ा किया जा सकता है, कलर चेंज किया जा सकता है या बाप पे आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करते हैं। ऐसे ये है आपका, इसको आप सेलेक्ट कर लें, इसको बोल्ड कर लें, इसको सेंट्रलाइज कर लें, ठीक है। तो ये कैसे अब यूज कर और इसमें जो है अगर आपने इसमें बॉक्स इंसर्ट करना है तो बेटा ये यहाँ पे आपके ये बॉर्डर्स हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और ऑल बॉर्डर्स करते हैं। ये देखिए इसके अंदर रोज आ गए, सबके अंदर कॉलम्स आ गए, ये देखिए सेल बंद, अब ये प्रिंट में भी आएगा, पहले नहीं आएगा। और ये जो डाटा बेटा ये हमें शो हो रहा होता है, वैसे ये नीचे डाटा शो हो रहा है, ये लाइन शो हो रही है आपको, ये लाइन बेटा शो हो रही है, प्रिंट तभी आएगा जब हम बॉर्डर लगाएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। प्रिंट कब आएगा इसका पेपर पे, जब इस पे आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा मैं एक और काम करना चाहता हूँ, मैं ये सारा खत्म कर रहा हूँ बॉर्डर्स, मैं चाहता हूँ सिर्फ जो हेडिंग है उसको बॉर्डर लग जाए, मैं कह रहा हूँ नो बॉर्डर, देखिए अब कोई बॉर्डर नहीं है, मैं चाहता हूँ सिर्फ हेडिंग को बॉर्डर लगे, लास्ट वाली रो को लगना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये टॉप बॉर्डर लगाता हूँ और उसके बाद बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ, ये दो बॉर्डर लग गए, एक ऊपर वाले पे और एक लास्ट पे, और इसको सिलेक्ट करके इस पर बॉटम करता हूँ, ये देखें अब सिर्फ मैंने 3 टोटल लगाई हैं बॉर्डर्स, टॉप का, यहाँ पे इसके बॉटम का और इसके बॉटम का। तो ये नॉर्मली इस तरह अगर रिक्वायर है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। डाटा को आपने सेंट्रलाइज करना है, सेट कर लें, तो यहाँ से बेटा सेंट्रलाइज कर लें, ये सेंट्रलाइज हो गया, ठीक है। ये नहीं इसकी जो अलाइनमेंट है आप सेंटर करिए, सेंटर कर लें, एक्सेल में सेंट्रलाइज अच्छा लगता है, डाटा का सेंट्रलाइज होना अच्छा लगता है आपका। नेम्स के अलावा ये जो इस तरह का डाटा होता है उसके अलावा जो न्यूमेरिकल डाटा उसको सेंटर में रखा जाए तो अच्छा लगता है। अब आपने इसको फॉर्मेट करना है डिफरेंट टेबल्स को, तो ये देखें इसमें आप जाते हैं
व्यू में है या किस में है ये वाला, एक मिनट ये इसके नाम, ये आ रहे हैं, ये देखें आपके होम पे ये आ रहा है और स्टाइल्स में आ रहा है, देखें आप इसको जिसको भी अप्लाई करना चाहे वो वैसा अप्लाई हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा आप कोई और अप्लाई करके देख लें, जो भी टेबल पेट आपको चाहिए ये देखें। ओके, तो वैसा ही अप्लाई हो जाएगा। क्लियर, तो ये बिल्ट इन फॉर्मेटिंग है, आप खुद से भी देख सकते हैं, तो आपको कलर देना चाहते हैं यहाँ से कलर दे दें, ये कलर दे दें, तो कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से ये आपका फिल कलर है, इस पर क्लिक करें और इसको ये आप कलर दे दें ये वाला, और इसको भी कलर देना चाहते हैं इसमें से आपको, ये सारा कलरफुल हो गया। अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना है यहाँ पे आके इस पे बॉर्डर अप्लाई, अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके थ्रू क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ये अच्छा लग रहा है ये? यस सर, यस सर। मैं